आज हम सीखेंगे हैंड स्टैंड होल्ड। हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करते समय आप भी ऐसे ना गिरे करके मैंने वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए हैं जिससे आप अपने फीट पे परफेक्ट लैंड कर सकते हैं और इंजरी से बच सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सतीश सिंह, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे हैंड स्टैंड होल्ड के बारे में। यार हैंड स्टैंड होल्ड करना तो मतलब ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, हो जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये वीडियो में मैंने पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, तो आप ये वीडियो को स्किप ना करें भाई। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टेप वन कि आपके शोल्डर में ताकत है कि नहीं। आप इंक्लाइन या डिक्लाइन पुशअप 15 से 20 कर लेते हैं या फिर नॉर्मल पुशअप को 30 परफेक्ट फॉर्म से कर लेते हो कि नहीं, वो आपको चेक करना है। अगर नहीं आता तो आप पुशअप पे ध्यान दीजिए। अगर आपको 30 पुशअप लगातार बिना स्टॉप हुए परफेक्ट फॉर्म से आता है तो आप हैंड स्टैंड के रेडी हैं। सेकेंड स्टेप, आपको यहाँ पे पाइक पुशअप करना है, उसके बाद आप पाइक होल्ड करेंगे, उससे आपका जो शोल्डर है उसमें पावर आएगा और आप तो हैंड स्टैंड इजिली होल्ड कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उसको आप घर पे परफॉर्म कीजिए बराबर से, तो इससे आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने हैंड स्टैंड होल्ड में। इस एक्सरसाइज में अपने पेल्विस को स्ट्रेट रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आप हैंड स्टैंड करें तो अपने फिंगर को ऐसे सीधा ना रखें स्ट्रेट, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो आप बैलेंस कैसे बना पाएंगे। अगर ऐसे रहेगा तो आप उस तरफ गिर जाएंगे। तो अपने फिंगर को जब भी आप हैंड स्टैंड करें तो ऐसे फैला के रखें, ताकि जब भी आप उस साइड गिरने का हो तो फिंगर टिप से पावर लगा के अपने आप को बैलेंस कर पाएं। और कितने डिस्टेंस पे रखना है वो आप देखें, जस्ट शोल्डर के नीचे रख के थोड़ा सा ऐसे दूर कर लें, उसके बाद इतने दूराई पे रखें ताकि आपको हैंड स्टैंड करने में थोड़ा ईजी हो। मैं फिंगर टिप्स पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखकर अपने फिंगर पे स्ट्रेंथ ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैं आपको अभी हैंड स्टैंड वॉक करके दिखाने वाला हूँ वॉल पे, तो उससे आपका जो हैमस्ट्रिंग और कोर में उसमें थोड़ा ताकत आएगा, जिससे आप अपने बॉडी को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें हम लोग करेंगे वॉल पे हैंड स्टैंड होल्ड। तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मतलब रह पाऊँ, जितना आपका क्षमता है, आधा मिनट, एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, जितना हो सके उतना अच्छे से होल्ड कर पाए। ये एक्सरसाइज को करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो बॉडी पोजीशन कैसे रखना है, क्योंकि इससे करने से आपका जो परफेक्ट फॉर्म होता है बॉडी पोजीशन का वो आपको पता चलता है। क्योंकि अगर आप वॉल के अगेंस्ट करेंगे उस साइड से, तो आपका जो कोर है वो भी सीधा रहेगा, आपका हैमस्ट्रिंग भी सीधा रहेगा और पैर भी सीधा रहेगा। तो जब भी आप हैंड स्टैंड करें तो परफेक्ट फॉर्म से करें, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाएगा आपके बॉडी पोजिशन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस स्टेप में आपको बताऊंगा हैंड स्टैंड होल्ड कैसे करना है आपको वॉल पे। Oh,
वॉल पे हैंड स्टैंड करते हो और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो फिंगर टिप्स है उसमें उससे आप पुश करेंगे नीचे की ओर, जिससे आपका बैलेंस बराबर बने रहेगा। जितना हो सके आप फिंगर टिप्स का पावर लगाएं, उतना ही आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। ये फाइनल स्टेप है, इसमें आपको बताऊंगा कि बिना वॉल के आप हैंड स्टैंड होल्ड कैसे कर पाएंगे और अपने बॉडी को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। ऐसे आप धीरे धीरे परफॉर्म इंक्रीज करते जाएं अपने हैंड स्टैंड धीरे धीरे होल्ड करते हुए। मैं जैसे कि पहले थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे ही आपका हैंड स्टैंड इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कैसे अपने फीट पे परफेक्ट लैंड करें वो चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मैं भी जब हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे आता नहीं था कि कैसे गिरना है ढंग से, तो मैं बहुत ही बार अजीब तरीके से गिरा हूँ, तो मेरे कमर में पेन हो गया था बहुत दिन तक, कभी हैंड स्टैंड पे पेन आता है। तो आप ये आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है कैसे कितना दर्द होता है, क्योंकि इसलिए तो हैंड स्टैंड का वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया, बिकॉज मेरे कमर में बहुत दर्द था। तो अभी ठीक है, आप भी ऐसा गलती ना करें। तो आप देखिए कि कैसे लैंड करते हैं, इजी है। आप जब लैंड करें तो आपका जो दोनों हाथ स्ट्रेट रहेगा, तो कोई भी एक हाथ को बैंड कर दे तो उसका क्या, आपका बैलेंस एक साइड चले जाएगा, तो आप पैर नीचे ला सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको।